तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो थोड़े ही टाइम में हम लोग का जो गिल्ड वार है वो स्टार्ट होने वाला है। चिंता मतलब मैं आपको वीडियो में एग्जैक्ट टाइम बता दूंगा गिल्ड वार के स्टार्ट होने का। लेकिन गाइस क्या होगा अगर आप लोग गिल्ड वार में हैक लगा के खेलोगे तो उससे क्या आपकी गिल्ड बैन होगी या नहीं होगी, या गाइस आपको आपके आईडी में किसी भी तरह से खतरा देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन गाइस ये सब चीज को मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं करता हैक पैक को, ओके। और गाइस आपको मैं वीडियो में ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आप लोग अपने गिल्ड में वीवीआई चला सकते हो सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में। जी हाँ दोस्तों, आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसे यूज करने के बाद आपको आपके गिल्ड में वीवीआई देखने को मिलेगा, ठीक है ना, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, ठीक है। और कितने बंदे कमेंट करके ये पूछ रहे थे जो हम लोग का जो गिल्ड वार होता है उसमें वीवीआई किन किन गिल्ड को मिलता है, जो गिल्ड टॉप 100 में होते हैं उनको मिलता है या टॉप 10 वालों को मिलता है, और जो स्काई विन है वो भी किन किन गिल्ड वालों को मिलता है, तो वो सब बताने वाला, बताने को सुनाने को बहुत कुछ है गाइस, तो लेट्स गो। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको गिल्ड वार का टाइमिंग बता देता हूँ फटाफट। देखो गिल्ड वार का जो टाइमिंग है वो है शाम के 7 बजे से रात के 10 बजे तक, ओके। और जो गिल्ड वार हम लोग का स्टार्ट होगा वो होगा 3 जुलाई से स्टार्ट, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो, बहुत कम घंटे बचे हैं, आप लोग फटाफट रेडी हो जाओ, ठीक है। 3 जुलाई से आपको रेडी हो जाना है। और गाइस जो गिल्ड वार होगा हम लोग का 3 दिन होगा हफ्ते में, यहाँ पर वेनसडे होगा, फिर सैटरडे होगा, फिर संडे होगा, ओके। यहाँ पर मैंने गाइस पूरा बता दिया आप लोग को शॉर्ट में, और आपको अगर डिटेल जानना है तो आप लोग मेरी ये वाली वीडियो देख लेना, ओके। अब करते हैं हम लोग क्या अगर आप लोग गिल्ड वार में हैक लगा के खेलोगे तो आपका गिल्ड जो है बैन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो गाइस अगर आप लोग अपने अकाउंट में हैक लगा के खेलोगे तो गाइस आपका अकाउंट आज नहीं तो कल नहीं तो परसों पक्का बैन होगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे ना भाई अकाउंट ही तो बैन होगा, मेरा गिल्ड थोड़ी ना बैन होगा, भाई मैं तो न्यू अकाउंट में हैक लगा के खेल लूंगा। तो भाई ये गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहो, पास्ट में मतलब कि पहले कितने सारे गिल्ड टर्मिनेट हो चुकी है, अगर आप लोग को मालूम नहीं है पहले जो बंदे गिल्ड वार खेलते थे उनसे पूछ लेना, कितनी सारी गिल्ड ऐसी आई थी ना जो अचानक से ऊपर आ गई थी टॉप 5 के अंदर, टॉप 10 के अंदर, और अचानक से उनका गिल्ड का नाम कुछ शो नहीं कर रहा था, वो मतलब कि गिल्ड वार का बस पॉइंट शो करेगा, और गाइस उसका मतलब है आपका गिल्ड डिलीट हो चुका है, एग्जिट ही नहीं करता आपका गिल्ड यहाँ पर, और यहाँ पर गिल्ड को आपका टर्मिनेट कर दिया गया है, ओके। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा कोई बात नहीं है, अभी भी बहुत सारी गिल्ड है जो पहले हैक यूज करती थी बट अभी भी वो गिल्ड स्टे करती है, मतलब अभी भी वो गिल्ड बची हुई है। तो मैं आपको बता दूं गाइस यहाँ पर जो गिल्ड बची है ना वो आज नहीं तो कल वो भी जाएगी, बिकॉज यहाँ पर गैनों को डिटेक्ट करने में टाइम लगता है, या सिस्टम इनका धीरे धीरे इंप्रूव होगा, ठीक है। एकदम से सब गिल्ड को डिलीट कर देगा तो हो सकता है कितने फेयर गिल्ड भी डिलीट हो जाए। तो गाइस आप लोगों को ये सब फालतू काम बिल्कुल नहीं करना, ये सब चीज को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना हैक वैक को, ठीक है। मैं तो गाइस इतना ही कहना चाहूंगा। अब गाइस बताता हूँ आप लोग कैसे अपने गिल्ड में 2 मिनट में वीवीआई चला सकते हो, ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ करके। तो गाइस सबसे पहले आपको अपने आईडी को लॉगिन करना है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो मैं आईडी को लॉगिन कर रहा हूँ फटाफट, और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही लॉगिन हो जाएगा ना आपको फटाफट काट देना है, ओके। और यहाँ पर सबसे पहले गिल्ड में आना, तो गाइस आपको यहाँ पर ग्लिच देखने को मिलेगा जिसमें आपको वीवीएच और लोडिंग लिखा आएगा, तो ये देखकर मैंने सोचा सच में मेरे को वीवीएच मिल गया, मतलब कि मेरे गिल्ड को वीवीएच मिल गया। और गाइस मैं सोचा क्यों ना आपको भी बता दूं कैसे आप लोग अपने गिल्ड में वीवीएच देख सकते हो। और गाइस ये छोटा सा ग्लिच था, तो गाइस ये तो ग्लिच वाला वीवीएच था, बट गाइस यहाँ पर आप लोग को कैसे रियल वीवीएच गिल्ड में कैसे मिलेगा, मतलब कितने बंदों को मालूम ही नहीं है, कितने बंदे सोचते जो भी गिल्ड वार खेलते हैं जितने भी गिल्ड में टॉप 100 आते हैं उन सब गिल्ड को वीवीएच मिलता है, कितने बंदे ये सोचते हैं, कितने बंदे बोलते हैं टॉप 10 वालों को मिलता है, मतलब यहाँ पर क्लियर कोई नहीं है। और कितने बंदों को पता है तो सोचते हैं ना टॉप 50 वालों को मिलता है, भाई टॉप 50 वालों को नहीं मिलता गिल्ड में वीवीएच, जो टॉप 15 में आते हैं ना जो गिल्ड वार में, जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो जो यहाँ पर टॉप 15 में होंगे ना उनको ही मिलेगा, उन्हें गिल्ड को मिलेगा, उनको नहीं उनके गिल्ड को मिलेगा यहाँ पर वीवीएच। और यहाँ पर जो वीवीएच मिलता परमानेंट नहीं मिलता, यहाँ पर ये भी बंदों कंफ्यूजन रहता है, गिल्ड में वीवीएच मिल गया मतलब परमानेंट नहीं, वो सिर्फ 2 महीने के लिए मिलेगा गिल्ड में वीवीएच, जो भी गिल्ड टॉप 15 में है ना गिल्ड वार में उनको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के लिए वीवीएच, ठीक है, याद रखना। और गाइस यहाँ पर अगर आप लोग सोच रहे हो स्काइविंग सारे गिल्ड को मिलता है जो टॉप 100 में गिल्ड रहते हैं, हम लोग एक बार गाइस आए थे सीजन 1 में, तो जो गिल्ड वार में मिलता है ना जो स्काइविंग वो सबको मिलता है, उसका कोई टेंशन नहीं है, वो आप सबको मिलेगा, मतलब कि जितने बंदे उस गिल्ड में घुस जाओगे ना। और ऐसा नहीं कि आपको मतलब कि शुरुआत से होना चाहिए, अगर आप लोग बाद में जाके भी घुसते हो, अगर आपका जान पहचान है तो बाद में आप लोग घुस जाओ सीजन के एंड में, और एंड में जाकर गिल्ड वार में जो स्काइविंग होता है वो जाके ले लो, और ऐसा कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो गाइस मैंने यहाँ पर आपको एक टिप एंड ट्रिक भी दी, अगर आप लोगों को गधों जैसे मेहनत करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता तो कोई बात नहीं, जब गिल्ड वार होता है ना, जब खत्म होने वाला होगा गिल्ड वार, तब गिल्ड में घुसो आराम से, 1-2 गेम खेलो और स्काइविंग ले लो, उसके बाद गिल्ड से यहाँ से भाग जाओ, मतलब गिल्ड से निकल के 9-2-11 हो जाओ, बट यहाँ पर आपका जो गिल्ड लीडर आपको बहुत ज्यादा गाली सुनाने वाला है, उसको भी डिलीट कर देना फैन लिस्ट से। और गाइस आपको कमेंट करना है पिछले सीजन आपके गिल्ड कितने नंबर पे थी, इंडिया पे या स्टेट पे कितने नंबर पे थी, फटाफट गाइस बता दो कमेंट करके यहाँ पर। और गाइस मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय बाय।